What's up guys? Welcome back to another reaction video of स्मार्ट शंकर जिसके पार्ट 6 पर पहुंच चुके दोस्तों और अब तक काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स मूवी में। अब मेमोरी ट्रांसफर होने वाली है, हो गई शायद से, ऑपरेशन चल रहा था लास्ट वाली में। तो देखते हैं अब पुरानी यादें रहेंगी या मिट जाएंगी। मेरे साथ सीबीआई वाले की भी यादें मेमोरी रहेगी अंदर, और लग रहा है इसके केस में ऐसा होगा दोनों की। तो आदित्य मूवीज चैनल से है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। शुरू, रेडी, 1 2 3 गो। हेलो, कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहा है तुम्हें? बात ही नहीं कर रहा। बहुत दर्द हो रहा है क्या? व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? मत्था मेरा है ऐसे कैसा? हेलो, यू वांट टू गो टू द टॉयलेट? वेट, आई विल ओपन। अभी मेमोरी नहीं है मेरे को, लग रहा है किसी की भी। क्या संभल कर, स्लोली, क्यों पहचानता तो है। तू अपुन से सवाल नहीं करेगी, सवाल अपुन करेगा। तेरा नाम क्या है? सर, डॉक्टर है तू? न्यूरोसाइंटिस्ट। अपुन की किडनी तो नहीं बेची ना? अपुन को उससे आईफोन खरीदने का था। नो 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 नो, तू आईफोन दर्द कैसा है रे? इसे पेनिंग, आई जस्ट गेट द चॉकलेट। ये हॉस्पिटल का नाम क्या है? ये हॉस्पिटल नहीं, लैब है। लैब, एक्सपेरिमेंट हो गया। तो तू डॉक्टर नहीं है, ये हॉस्पिटल नहीं है। तुम लोग साला किडनी बेचने वाला गैंग लगते हो। नो नो, यू आर इन अ सेफ जोन। दिस इज हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया। दैट्स अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या? सीबीआई। सीबीआई। इसकी तो पुलिस। सीधा फेंक दो, सीधा फेंक दो। जल्दबाजी में कुछ मत करना। तू हमारे साथ रहेगा तो डिपार्टमेंट के लिए अच्छा होगा, सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। और अपने लिए? हाँ, ये भी ठीक है। मामा, ज्ञान मत देना। अगर शेर लंगड़ा है तो चूहा उसको काट खाएगा क्या? अपन पागल नहीं है शंकर, उस्ताद स्मार्ट शंकर। कैच हिम। ओ भाई, गिड़ गिड़ के बाहर। अपनी मेमोरी तो है पूरी। Don't shoot! I will shoot you. तो करना। Time खोटी मत कर, करेंगे। काम तमाम। इनकी तो सही बना दिए सारे। सही मारे के तो सही सही हो जाए। खोपड़ी खुद की। अब ये खुद की मेमोरी जाएगी लेकिन या खुद की बचेगी? इसने तो बोला था कि उसकी खुद की मेमोरी धीरे धीरे चली जाएगी। ओहो, खुद उसी गाड़ी पलटा वाली ऑटो मिलेगी क्या? इसकी तो ये हो क्या रहा है? अब इसको समझ नहीं आ रहा ना। समझ नहीं आ रहा। हाँ,
चिट लगूं। और अब समझ आएगा कैसे। तो हिसाब में सबसे झोल हो गया। डबल सिम कार्ड। डबल सिम कार्ड। एक्टिवेट। अब यहाँ पर इंटरवल होगा। सर, वी आर सर्चिंग सर। ओवर। भाग गया? कहाँ? वहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? वो मिला या नहीं? गुंडे भी लगे हो ना? तेरी मौखी। यूटन ले। उसे किसी भी तरह से पकड़ लो। पुलिस को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मेमोरी ट्रांसफर के बाद बाहर नहीं जानी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वाले प्रॉब्लम कर सकते हैं। अरे आजा मेरी बुलबुल आजा और मेरे करीब। ये वो है क्या ऑटो वाला? आ रही हूँ मैं मेरे राजा मेरे होटल है लड्डू जैसे आजा लड्डू जैसे भाई। ये कौन है भाई? वो क्या है कि आजकल अकेले सोने में डर लगता है ना भाई, इसीलिए इसको लेकर के आ गया भाई। हे तू जाना। हे रुक। तेरे को पता है अपन कौन है? हाँ हाँ पता है ना। है? आप जेल से फरार हुए हैं ना? है? टीवी पे देखा था मैंने, आप फोटो में बहुत हैंडसम दिखते। बाप रे, इसको यही रखना। हाँ? क्या हुआ भाई? तू इधर आ, ये देख। हाँ? भाई ये पीछे अजीब सा क्या लगा लिया, लेकिन मस्त लग रहे ना भाई। स्टाइल लगाया भाई। स्टाइल। पुलिस। पुलिस भाई, लगता है पुलिस वालों ने आपके पीछे सिम कार्ड लगा दिया है भाई। अबे दिमाग में कोई सिम कार्ड लगाता है क्या भाई? तुम कहीं भी जाओगे पुलिस पहुंच जाएगी आपके पास। भाई अपन ये बात काका को बताते हैं। काका नहीं है। काका नहीं है मतलब कहाँ गए वो? अपन ने मार दिया। क्या? काका को मार डाला? अभी एक और को मारना है। किसको भाई? पता नहीं। अच्छा। लेकिन मारने का है। भाई क्या हो रहा है भाई? ऐसा लगता है कोई सिग्नल दे रहा है। भाई इसीलिए बोल रहा हूँ, उस सिम कार्ड का नंबर दो, एक मिस कॉल मारूंगा सब सेट हो जाएगा भाई। ए डेढ़ दिमाग वाले चला। अरे भाई ने बोला ना एक और को मारने लेकिन किसे वो पता नहीं। कौन भाई? भाई। जिसने अपन के दिमाग में ये चिपकाया। अपन में चल के उसको बजा देते हैं। चलो भाई। डॉक्टर दिमाग में सिम कार्ड डालेगी। चल दिमाग में डालेगी तो आज आज। मार डालूंगा। क्या किया तूने? क्या किया जो अपना दिमाग ऐसे घूम रहा है? One second. और कैसा लग रहा है तुम्हें? लगता है जैसे शॉक लग। इसकी तो फिर से शॉक लग गया अपने को। Good, it's working. One second. बोले तो? दवाइयाँ दे रही है। हाँ दवाई। और कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, तेरे को मारने का मन कर रहा है? No. Please मेरे साथ मेरे घर चलो। काय को? You need treatment. मेरी बात सुनो, तुम्हें तुरंत एक इंजेक्शन देना होगा। समझाएगी है। अब बता तूने क्या किया? अब फ्लैशबैक, उसकी मेमोरी इसके अंदर ट्रांसप्लांट। लेकिन इंटरेस्टिंग लग रही है मूवी। इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेमोरी ट्रांसफर, अरुण की मेमोरी तुम्हारे ब्रेन में लगा दी गई है। अरुण बोले तो वो जो उस दिन टपक गया था? यस, वही जो काशी विश्वनाथ के मौर्यों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। सीबीआई चीफ सच्चाई जानना चाहते हैं, इसलिए ये ऑपरेशन किया गया है। मतलब उसका भेजा अपने भेजे में? यस। और अपना भेजा? तुम्हारी अब तक की जो भी यादें हैं वो धीरे धीरे डिलीट हो जाएंगी। और अपनी चांदी? भूल जाओगे। अपुन का प्यार है। वो भी भूल जाओगे। नहीं, इस चीज़ को नहीं भूलेगा शायद, है ना? ये नहीं भूलेगा। लग रहा है ऐसा। मतलब जिसके प्यार के लिए अपन आज तक जिंदा है वो प्यार मिट जाएगा, जिसका बदला लेने के लिए भटक रहा है वो यहाँ से हट जाएगा। यस, स्लोली स्लोली शिल्बिका मारून। Thank you.
मिस किया जा रही ना इसको। तू अपने दिमाग में क्यों आ रही है? मैं आ रही हूँ। हाँ? ऐसा लग रहा कि तू बीच पे है। और क्या लग रहा है? तू क्यों दिख रही है अपन को? कंफ्यूज। क्योंकि मैं अरुण की गर्लफ्रेंड हूँ। तू नहीं दिखेगी, तू नहीं चाहिए अपने को, अपने को चांदनी चाहिए, चांदनी। प्लीज। कैसा लग रहा है? तुम डरावना सा। तुम्हें एक्टिंग तो जबरदस्त है। इससे पहले कि अपन भूल जाएगा, अपने को मारने का है, मार देगा। जिसको मारना है? ओहो, इंटरेस्टिंग पार्ट था काफी। हाँ। प्लस जो हॉस्पिटल में जो सीन हुआ वहां पर वो तो वैसे ही मजेदार था। मेरे को लग ही रहा था जिस तरह से उठा था ना। मैं मार दूंगा, मैं बोली आई विल शूट यू, कर तो करना। हाँ। हम भी परेशान, तू परेशान। हाँ। मैं और वहां से फिर वो निकला वहां से और फिर पहुंचा दोस्त के वहां पर। हाँ। भाई तो सिम कार्ड ले, तू मुझे नंबर दे, अभी ठीक करता हूं, ठीक करता हूं। उसका दोस्त भी बढ़िया था। हां तुम तो वही टीवी पे आ रहे हो, टीवी पे आ रहे हो, तुम फरार हो जेल से। अब ट्विस्ट तो ये है, इसको गुंडे तो ढूंढ रहे हैं वैसे, मतलब शंकर को ढूंढ रहे थे। मुझे लग रहा है कि मेमोरी रहेगी उसको मारते टाइम तक रह जाएगी, या फिर जब उसको मारने वाले को एग्जैक्ट उसी टाइम पे बिल्कुल ही मेमोरी सारी खत्म हो जाएगी, मुझे लग रहा है। और आखिर में तो इनकी लव स्टोरी तो चालू हो जाएगी। मारे तो गा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भैया। लेकिन लिखी अच्छी स्क्रिप्ट, देख ले अभी पता, स्क्रिप्ट अच्छी लिखी है, इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट लिखी है। एंड प्लस एक्टिंग तो लाजवाब है राम पोतनी सर की। प्लस इन्होंने पता, ये वाला टपोरी कैरेक्टर आई वुड से फैन हो गया मैं, बहुत कितना उससे डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा ये वाला कैरेक्टर करना, और इन्होंने शानदार। प्लस जो हेयर स्टाइल डबिंग अच्छी लगी, और इंटरेस्टिंग मोड पे छोड़ा इस वाले पार्ट ने। इसके बाद करेंगे पार्ट 7 पर रिएक्ट, तो फटाफट से कर दे पार्ट 7 कमेंट और लाइक करना बोले चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब। बाकी ऐसे अमेजिंग मूवी सीन्स और मूवीज आप देख सकते हो आदित्य मूवी चैनल पर, जहां पर आपको मिलेंगी बहुत सारी, और आप सर्च कर सकते हो वहां से हमें भी। बाय, टेक केयर।